तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है नीट 2021 की जो काउंसलिंग है उस काउंसलिंग से रिलेटेड। दोस्तों नीट 2021 की जो काउंसलिंग है उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इस साल से जो बहुत सारे जो रूल एंड रेगुलेशन है ऑल इंडिया 15% कोटे की काउंसलिंग को लेकर के वो चेंज कर दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नीट 2021 में जो सबसे पहला जो मतलब चेंज हुआ है वो है कि टोटल जो है वो 4 राउंड जो इसमें काउंसलिंग के आपको पार्टिसिपेट करने को मिलेंगे। पहले क्या होता था कि पहले जो है वो इसमें पहला फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड होने के बाद में जितनी भी सीटें बचती थी वो सारी की सारी सीटें जो है वो अलग अलग स्टेट वाइज जो अपने अपने स्टेट है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी, वापस जो है वो स्टेट काउंसलिंग के लिए दे दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको जो टोटल 4 राउंड जो होंगे उसके अंदर ही इसकी ऑल इंडिया 15% कोटा की जो सीट है उनको ख़त्म करना होगा, जिसमें फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, उसके अलावा मॉप अप राउंड होगा और लास्ट जो होगा वो स्टे वैकेंट राउंड होगा, जिसमें मॉप अप राउंड में जो खाली सीट रहेगी वो स्टे वैकेंट राउंड में जो है वो फिल की जाएगी। सेकंड है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑप्शन। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि फर्स्ट राउंड में उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया काउंसलिंग में, सेकंड राउंड में भी नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि मॉप अप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे, तो उसके लिए उसको उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक और अपडेट किया गया है, वो अपडेट ये है कि आप फर्स्ट सेकेंड और मॉप अप राउंड तक जो है वो जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन में भाग ले सकते हैं। एक न्यू स्टूडेंट जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, लेकिन जैसे स्टे वैकेंट राउंड जो आता है उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन आपको अलाउ नहीं किया जाए, मतलब अगर कोई चाहे कि मैं स्टे वैकेंट राउंड में जो है काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करूँ तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर जो है वो होगा। इन मॉप अप राउंड तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप स्टे वैकेंसी राउंड में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड है सीट को अपग्रेड करने से लेकर के और फ्री एग्जिट से लेकर के, मतलब जो पहला राउंड है उस पहली राउंड में ही आप सीट अपग्रेड कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो, मतलब जो आपने कॉलेज ली है उसको आप छोड़ सकते हो, है ना, और दूसरी जो है वो सीट में उसको अपग्रेड कर सकते हो। ये इसका ऑप्शन जो है आपको केवल और केवल फर्स्ट राउंड में दिया जाएगा, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड में आपको सीट अपग्रेड और फ्री एग्जिट मतलब सीट छोड़ने का ऑप्शन जो है वो नहीं दिया जाएगा। फोर्थ जो नीट 2021 की काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट हुआ है वो अपडेट है आपके पास में काउंसलिंग आफ्टर सीट ज्वाइन। जैसे मान लो कि आपने जो है वो कोई भी राउंड था उस राउंड के अंदर आपको सीट अलॉट होगी हो चुकी, और अलॉट होने के बाद में आपने उस सीट को उस कॉलेज को जो ज्वाइन भी कर लिया, तो ज्वाइन करने के बाद उसके बाद में होने वाली जो भी काउंसलिंग है उस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जब भी कर सकते हो जब आपने सीट जो है ज्वाइन नहीं की हो। जैसे मान लो कि सेकेंड राउंड में किसी को सीट अलॉट हो गई, अब वो चाहता है कि मैं थर्ड जो मॉपअप राउंड है उसमें पार्टिसिपेट करूँ ताकि मेरे को और अच्छी बेस्ट से इससे अच्छी जो है कॉलेज मिल जाए, तो अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जब उसने सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिली उसको अगर ज्वाइन कर लिया है, अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो वो आगे जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। जिस राउंड में आपको सीट मिली और आपने उसको ज्वाइन कर लिया तो आपको आगे के राउंड की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए भाग नहीं लेने दिया जाएगा, आपने ज्वाइन नहीं किया तभी आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो शुरुआत में आपको कहा था कि पांचवा जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपडेट के अंदर, वो है रिजर्वेशन को लेकर के। तो रिजर्वेशन जो ओबीसी का 25-27% जो रिजर्वेशन है वो और ईडब्ल्यूएस का जो 10% रिजर्वेशन है वो आपके इसी साल से लागू हो सकता है। हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है इसमें आना पेंडिंग है, तो इसलिए वो डिसीजन जैसे आ जाएगा तो उसके बाद से जो नीट 2021 की काउंसलिंग है उसमें से उसके अंदर जो है वो इस रिजर्वेशन को लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने नीट से रिलेटेड जो चेंजेस हुए उन चेंजेस के बारे में बात करी। थैंक यू सो मच गाइस।